हेलो एवरीवन तो कुछ दिन पहले ही मैंने एस टोकन को कवर करते हुए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस टोकन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड अगर आप इस पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो मेक श्योर sure कि आप थोड़े से सावधान रहें क्योंकि दिस कुड बी अ स्कैम एंड उसी के कमेंट सेक्शन में मुझे एक नया टोकन मिला जिसका नाम है माई वी टोकन एंड माई वी टोकन इज अनदर एम एल टाइप ऑफ स्कैम कॉइन जो कि पॉसिबली एक स्कैम हो सकता है या नहीं हो सकता है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे तो काफ़ी सारे लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड मैं चाहता था कि वो लोग थोड़ा सीखें इसके बारे में तो मैंने बहुत एक लंबी वीडियो बनाई है जिसमें हम डिटेल में गए हैं एंड इसमें हो सकता है कई जगहों पर मैं सही हूँ कई जगहों पर मैं गलत हूँ तो मेक श्योर sure कि आप मुझे सही करना चाहते हैं तो कॉमेंट में अपने तर्क दे अपने प्रूफ दे वो कर सकें एंड अगर आप केवल गालियाँ लिखना चाहते हैं तो कोई फायदा नहीं है उसका क्योंकि मेरी जनता भी आपको गाली दे सकती है तो गाइज आई एम रिक्वेस्टिंग योर सपोर्ट हेयर सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी इसको यूज करके आप बाकी क्रिप्टो टोकन्स को कैसे इवेलुएट कर सकते हो वो भी सीख सकते हो तो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेट्स गेट टू द स्क्रीन एक और पॉसिबल एम एल स्कीम की जो कि इंडिया में ऑफलाइन बेची जा रही है लोगों को एंड इसके बारे में मैंने एक दो पार्ट का न्यूज़ लेटर लिखा है जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना है मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन करता हूँ अगर आप माई वी टोकन में इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर रहे हो तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें ओके okay, सो so हमारा न्यूज़ लेटर आप जाके देख सकते हैं नीचे आपको मिल जाएगा तो माई का जो मेन एरिया है जहाँ से माई ऑपरेट करता है वो है माई की अपनी वेबसाइट राइट माई की वेबसाइट पर जाके आप इस पर रजिस्टर कर सकते सकते हो एंड फिर आप इसमें ऑपरेट कर सकते हो तो माई की वेबसाइट फिलहाल तो डाउन है लेकिन माई पे अगर आप जाओ एंड यहाँ पे लिखो केवल डैशबोर्ड तो आपका प्रोफाइल यहाँ पे खुल जाता है राइट तो अगर आप माई पे अकाउंट बनाते हो किसी ने आपको रेफर किया है तो आप यहां से उसको खोल सकते हो एंड रेफरल रिंग जो है अभी भी वर्क कर रहा है माई की मेन वेबसाइट अभी यहाँ पे डाउन है लेकिन बाकी सब चीजें यहाँ पे वर्क कर रही हैं बट मैंने माई की वेबसाइट का यहाँ पे एक वीडियो ले लिया था बिफोर दे टुक इट डाउन क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये हो सकता है तो दिस इज द क्विक दिस इज अ क्विक रन डाउन ऑन हाउ द वेबसाइट लुक्स तो बेसिक आपको नॉर्मल एक टोकन जैसी वेबसाइट यहाँ पे दिख जाएगी एंड यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट है भी नहीं देखने के लिए बात करते हैं बिजनेस मॉडल की वाई इट सो पॉपुलर एंड क्यों लोग इसमें फंस जाते हैं तो so, माई का बिजनेस मॉडल बेसिकली ये प्रॉमिस करता है कि आप माई पे जाओ और साइन अप करो एंड उसके बाद आप हंड्रेड डॉलर डालो हमारी क्रिप्टो करेंसी में एंड आपने एक बार हंड्रेड डॉलर डाल दिए तो आपको मिलेगा थ्री हंड्रेड परसेंट का इंस्टेंट रिटर्न तो आपको सीधा तीन सौ डॉलर का प्रॉफिट हो जाएगा राइट ये तो बहुत अच्छी बात है सीधा तीन गुना हो गए आपके पैसे हम क्यों जॉब पे जा रहे हैं राइट तो यहाँ पे एक कैच है कि आपको वो थ्री हंड्रेड परसेंट का जो रिटर्न है वो जीरो पॉइंट फाइव परसेंट पर डे पे मिलेगा ठीक है तो जीरो पॉइंट फाइव परसेंट पर डे पे अगर आप हंड्रेड डॉलर डालते हो तो ये आपको फिर तीन सौ का प्रॉफिट देंगे एंड ये ज़ीरो पॉइंट फाइव परसेंट पर डे काफ़ी अच्छा सुनने में लग रहा है लेकिन हेयर इज़ द प्रॉब्लम राइट जीरो पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ हंड्रेड डॉलर जो कि आपको डेली मिल रहा है इसमें दो सौ दिन तो आपको लग जाएंगे हंड्रेड डॉलर ही वापस कमाने में एंड इसके बाद थ्री हंड्रेड डॉलर कमाने में आपको लग जाएंगे बीस महीने राइट ट्वेंटी मंथ्स आपको यहाँ पे लग जाएंगे एंड प्रॉब्लम इसमें क्या है कि आपको ये जो रिटर्न मिल रहा है जीरो पॉइंट फाइव परसेंट का ये आपको पैसे में नहीं मिल रहा है ये आपको माईवी टोकन में मिल रहा है एंड माईवी टोकन का प्राइस अगर तब तक गिर गया अगर यहाँ पे 80 परसेंट डाउन हो गया 20 महीने बहुत लंबा टाइम होता है या फिर टोकन ही चला गया गायब हो गया या कंपनी बैंक हो गई तो आपका पैसा गया 100 डॉलर डाला हो या एक लाख डॉलर डाला हो वो सारा पैसा आपका चला जाएगा तो देर इज अ वेरी वेरी बिग रिस्क हेयर देखने में अच्छा लग रहा है कि जीरो परसेंट पर डे मिलेगा लेकिन द रिस्क इज देयर इसके बाद देर इज अ फास्टर वे टू गेट योर मनी ठीक है एक और फास्ट तरीका है कि आप अपने अंदर दो लोगों को और फंसा लो एंड इससे आपका जो कॉम्पनसेशन है वो जीरो पॉइंट फाइव परसेंट की जगह वन परसेंट पर डे हो जाएगा एंड फिर आपको केवल सौ दिन लगेंगे मतलब तीन महीने लगेंगे अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस लाने में एंड जो आपका सिक्स हंड्रेड डेज था वो भी आधा हो जाएगा तो ऑलमोस्ट एक साल आपको लगेगा अपना थ्री हंड्रेड परसेंट इन्वेस्टमेंट में दैट ऑल्सो साउंड वेरी बैड बट नेट सी नेक्स्ट लेवल क्या है तो यहाँ पे लेवल वन इज़ योर डायरेक्ट रेफर ठीक है जिसको आप रेफर करोगे तो जो बंदा आप रेफर करोगे उसका जो 0.5 परसेंट पर डे आ रहा है उस 0.5 परसेंट का 20 परसेंट मतलब अगर आपने 100 डॉलर्स है, करवाए हैं करवाए हैं उससे एंड 0.5 पॉइंट फाइव परसेंट जीरो पॉइंट उसका आ रहा है तो 20 परसेंट इज जीरो पॉइंट वन डॉलर एवरी डे यू विल मेक फ्रॉम दैट पर्सन राइट तो ये भी आपको सुनने में थोड़ा अच्छा लग रहा होगा कि चलो फ्री का चलो फ्री का आठ आ रहा है पर डे बट ये भी आपका आएगा माई वी टोकन में एंड माई वी टोकन में अगर बहुत सारे लोग मतलब हज़ार लोगों ने अपने नीचे दो हज़ार लोगों को और कर दिया तो टोटल तीन हजार लोग आ गए जिनके पास डेली माई वी टोकन आ रहा है एंड इस माई वी टोकन को वो सेल करेंगे ऑब्वियसली तो उससे माई वी टोकन का प्राइस जो है गिर जाएगा तो ये पौजी स्कीम जैसा जो शार्ट यहाँ पर बनेगा ये स्केलेबल नहीं है एंड दैट्स हाउ पौन्जी स्कीम्स पर कि एक बार वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं तो फिर वो गिरने लग जाती हैं तो दिस इज़ ईली लाइक अ पॉन दिसम जो इनका बिजनेस मॉडल उन्होंने डिफाइन करा है क्योंकि क्या होगा जब इस चार्ट में बहुत सारे लोग ऐड हो जाएंगे तो सबके पास बहुत सारा माई वी टोकन आता रहेगा तो इनको पे कैसे करेंगे राइट दैट विल बिकम द बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड दैट्स यहां पे दिस के नॉट वर्क इन माई ओपिनियन इसके अलावा इनका कोई और तरीका है माई वी टोकन का प्राइस स्टेबलाइज करने का देन दैट कैन वर्क लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यार हमने इवेंट्स में बहुत सारे लोग देखे हैं जो माई वी टोकन में इन्वेस्टेड हैं तो वो कैसे प्राइस जो है गिन नहीं रहा है इसके में बात करते हैं थोड़ी देर में सबसे पहले पढ़ते हैं इनका व्हाइट पेपर तो माई वी का वाइट पेपर इज वन ऑफ द फनीस्ट थिंग आई हैव रेड इन अ वाइल्ड एंड मैंने अभी एक फनी मांगा भी पड़ी थी तो यहाँ पे इनका जो है वाइट पेपर है एंड जिसने कभी जिंदगी में वाइट पेपर नहीं पढ़ा है एंड वैसे ही इन्वेस्ट कर दिया है तो उनके लिए मेरा शौक बाकी जिन्होंने पढ़ा है तो वो मेरे साथ हंस हाँ सकते हैं यहाँ पे। तो अबाउट माई बी राइट तो माई बी ने एक बहुत ही नॉर्मल से चार पांच लाइन लिख दी है इसको स्किप करते हैं सेकेंड इज वट इज़ बी एफ ट्वेंटी तो बी एफ ट्वेंटी क्या है राइट इट्स अ टोकन स्टैंडर्ड बेसिकली एंड इन्होंने यहाँ पे बी एफ ट्वेंटी की डेफिनेशन लिखी है पूरे एक पेज में इसके बाद नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू बाइनेंस एंड प्लेटफॉर्म ऑन विच माई वी टोकन इज मेड तो उन्होंने पहले बायंस के बारे में बताया बाइनास एक अलग ही कंपनी है अलग ही टोकन है उन्होंने उसके बारे में बताया है उसके बाद बाइनास एक्सचेंज के बारे में बनाया है उसके बाद लॉन्च पैड क्या होता है ये बताया है बाइनांस चैरिटी बाइनेंस अकेडमी जिसका टोकन से कुछ लेना देना नहीं है तो बस उन्होंने जगह बनने के लिए कराया ताकि इनकेस कोई कभी गलती से वाइट पेपर पढ़ लेता है तो उसको लगे कि हाँ इसने थोड़ा बंदे ने थोड़ा दिमाग लगाया है लेकिन बिल्कुल नहीं लगाया मेरे से लिखवा लेते मैं इसको दो सौ डॉलर में आपके लिख के दे देता अच्छा इससे अच्छा वाइट पेपर राइट इसके बाद उन्होंने ब्लॉक

तो सिंपल एंड फास्ट ट्रांजेक्शन माई वी कॉमर्स टू ट्रेड फॉर ग्रोसरीज एंड अदर आइटम्स ये चीज़ नहीं होती है यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है ये करने का अब तक केवल लोगों को रिफर करके और इन्वेस्ट कराने का ऑप्शन है माई वी आर्बिट्राज इज नॉट देयर ब्लॉक चेन बेस्ड टोकन है सार, सारे क्रिप्टो टोकन ब्लॉक चेन बेस्ड होते हैं तो इस लाइन का भी कोई मतलब नहीं है इसी तरह से मेटावर्स एन एफ टी मार्केट प्लेस टोकन क्रिएटर ये सब फालतू की चीजें हैं जिसका कोई मतलब नहीं है व्हाइट पेपर में रेड फ्लैग्स मैंने कुछ यहाँ लिस्ट करे हैं कि माईवी माई के पेपर में जो कैपेबिलिटीज हैं उसकी बात तो बहुत हुई है लेकिन कोई डिटेल नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म एक्चुअली कैसे वर्क करता है एंड यहाँ पे फाइनली मैंने ब्रेक डाउन करा है इन पॉइंट्स को जिनको आप पॉज करके देख सकते हो या आप खुद जाके पढ़ सकते हो तो 95% ऑफ द क्रिप्टो टोकनस है वन फोर सिक्स एंड सेवन तो 95% फाइव क्रिप्टो टोकन इस चीज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं तो उन्होंने कुछ ऐसा स्पेशल नहीं करा है प्लस टोकन बनाना कोई मुश्किल बात नहीं होती ऐसा नहीं कि उन्होंने टोकन बना दिया तो ये भगवान बन गए क्योंकि उन्होंने खुद से ही एक टोकन क्रिएटर जो है बना के दिया है एंड आप टोकन जो है दस मिनट में अपना टोकन बना सकते हो इसको भी हमने नीचे कवर किया है कि उन्होंने टोकन कैसे बनाया जो कि माई वी की ऑन चेन एनालिसिस में है ठीक है तो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है इसके लिए तो अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड मुझे पता है मुझे काफ़ी गालियाँ बढ़ने वाली हैं इस वीडियो के कारण क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने माई में इन्वेस्ट किया होगा तो प्लीज़ बड़े पॉजिटिव कमेंट्स छोड़ देना एंड जो लोग गालियां दे रहे होंगे उनको समझाना कि भाई तुम्हारा पैसा है तुम बर्बाद कर रहे हो इसके बाद सारे डेटा आप इस लिंक से एक्सेस कर सकते हो एंड सबसे पहला रेड फ्लैग है कि देर इज नो तो लिस्टिंग ऑन क्वाइन मार्केट कैप एंड क्वाइन गेको तो क्वाइंग मार्केट कैप एंड क्वाइन गेको इज द मिनिमम बेयर मिनिमम आपका होना चाहिए टू मेक अ लेजिटिमेट प्रोजेक्ट अगर आपका यहाँ पे लिस्टिंग नहीं है तो आपका प्रोजेक्ट नहीं है लेजिटिमेट कि आपको मान लेना चाहिए इट्स अ वेरी न्यू प्रोजेक्ट एंड कहीं भी आपको लिस्टिंग इस टाइम में नहीं मिल रही है इसके बाद माई वी के नॉट बी ट्रेडेड ऑट सोट दिस इज़ द बिगेस्ट रेड फ्लैग आप माई वी को बेच नहीं सकते हो अब आप बोलोगे कि माई वी को तो हम माई वी के एक्सचेंज में बेच सकते हैं एंड यूनाइटेड एक्सचेंज में बेच सकते हैं राइट तो इसको मैं थोड़ी देर बाद एड्रेस करूंगा लेकिन इसके अलावा आप नहीं बेच सकते इस टोकन को कहीं पर भी कोई भी टोकन है वो फ्री मार्केट में बिक सकता है राइट कोई शेडकॉइन मैं बनाऊंगा उसको भी आप पैनक शॉप वगैरह में बेच सकते हो बिकॉज लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है अब इतनी बड़ी कंपनी अगर अपने टोकन को डेक्सिस में ट्रेड करने के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं सकती है तो इसका मतलब है कि वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है क्योंकि अगर आप फ्री मार्केट में नहीं अलाउ कर रहे उसका ट्रेड इसका मतलब है कि आप प्राइस को कंट्रोल करना चाहते हो माई वी टोकन के दैट इज़ दी रीज़न एंड यहाँ पर हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि येस इट इज़ हैपनिंग मैं विध प्रूफ आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ इसके बाद अब पॉसिबल रक्पुल नाइन्टी सेवन परसेंट दो सौ दस मिलियन माई भी टोकन इन एग्जिस्टेंस हैं अभी जिसमें से नाइन्टी सेवन परसेंट केवल दो लोगों के पास हैं केवल दो वॉलेट्स में नाइन्टी सेवन परसेंट टोकनस हैं आप बोलोगे यार क्या हो गया इसमें नाइन्टी सेवन परसेंट उनके पास हैं तीन परसेंट तो हैं लोगों के पास तो अगर इनमें से एक बंदे ने भी तीन परसेंट भी टोकन बेचे ना तो प्राइस बिल्कुल जीरो हो जाएगा क्योंकि तीन परसेंट बाकी सब पे बटे हुए है। हैं बल्कि कि मैंने चेक किया था तो इसमें से नीचे के भी तीन चार वॉलेट जो हैं इन्हीं लोगों के हैं तो मैं इन पे भी भरोसा नहीं करूँगा मोस्ट ऑफ द सप्लाई इज़ विद दीज गाईज ओनली 210 हंड्रेड टेन मिलियन माई वी टोकन्स केवल दो एड्रेसेस के पास हैं जिसमें से इन्होंने अगर पाँच परसेंट भी बेच दिया तो पूरा का पूरा मार्केट जो है इसका ख़त्म हो जाएगा टोकन का प्राइस सीधा ज़ीरो हो जाएगा तो, तो दैट इज़ अ वेरी बिग रिस्क अगर आपको विजुअलाइज़ करना है तो दिस इज़ दी मैन जिसने क्रिएट किया था टोकन ये उसका वॉलेट है उसके बाद ये दूसरा वॉलेट है जिसमें फोर्टी सिक्स परसेंट है एंड फिर ये आप लोगों के वॉलेट्स हैं ठीक है तो ये सोच लो आप कैसा है पूरा का पूरा टोकन डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके बाद सेकेंड पार्ट में आते हैं हम ठीक है इस न्यूज लेटर की तो यहाँ पे मैंने ऑन चेन का और डेटा देखा है ऑन चेन एनालिसिस बेसिकली आप सीधा ब्लॉक चेन पे देखते हो एंड ब्लॉक चेन पर आप सब कुछ देख सकते हो बिकॉज इट्स द ब्लॉक चेन एंड दैट इज द रीजन कि ये लोग सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ डेक्स जहाँ पे हम इनको ट्रैक कर सके इसके बाद ई बुल्स टोकन राइट तो ई बुल्स एक्सचेंज का लॉन्च हुआ था ठीक है माई ने एक इवेंट कराया था जिसमें उन्होंने ईबुल्स नाम का एक एक्सचेंज लॉन्च किया था जो एक्सचेंज अब काम नहीं करता है बिकॉज उसका नाम चेंज हो गया है इट इज़ नाउ माई वी डॉट एक्सचेंज जहाँ पर आप इसका टोकन बेच सकते हो तो फाइनली आपके पास टोकन बेचने का यूनाइटेड एक्सचेंज के अलावा भी एक ऑप्शन था तो दिस इज़ हाउ द टोकन वॉज मेड राइट जिसको पता नहीं होता कि टोकन कैसे बनते हैं तो ऐसे बनते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो बंदा है इसने जीरो पॉइंट फाइव बी एन बी लिए एंड थोड़ा सा ट्रांजेक्शन फीस भरा एंड यहाँ पर इसने दो सौ दस मिलियन माई बी टोकन्स

का कोई भी वीडियो देखते हो इनके इवेंट का कोई भी वीडियो देखते हो जो ये बंदा है नितिन गुप्ता ये जब भी बात करता है तो डिसेंट्रलाइजेशन का डंका बजाया जाता है बट यहाँ पे नहीं है डिसेंट्रलाइजेशन बिकॉज केवल दो वॉलेट्स पे 97 परसेंट सप्लाई है देर इज नो फ्री मार्केट लिक्विडिटी मतलब आप इस टोकन को कहीं और बेच खरीद नहीं सकते हो एक्सेप्ट दीज एक्सेप्ट माई वी के अपने प्लेटफॉर्म्स अब बात करते हैं माई वी की वेबसाइट की इसमें आप क्या क्या देख सकते हो तो वेबसाइट इज़ डाउन नाउ पता नहीं क्यों आई थिंक उन्होंने वेबसाइट ही बंद कर दिए आई हैव नो आइडिया देयर बट इसके अलावा यहाँ पे इनका डैशबोर्ड है जब आप साइनअप करते हो तो यहाँ पर आपके पास ये डायाग्राम देते हैं वो एरिया जो बिल्कुल आपका किसकी तरह लग रहा है दिस इज़ लुकिंग लाइक अ पौन् स्कीम राइट तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये पोन् स्कीम है वो लोग ही बोल रहे हैं आई गेस इसके बाद माई वी एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं तो माई वी को आप बेचते कैसे हो राइट हाउ टू सेल माई वी तो माई वी को बेचने के लिए आपका इस्तेमाल होगा माई वी एक्सचेंज का एंड माई वी एक्सचेंज भी एक बहुत ही विचित्र जगह है आप माई वी एक्सचेंज पर जाओगे यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स हैं ए पी आई होता है राइट ए पी आई आपको पता नहीं है तो ए पी आई से सारी वेबसाइट्स चलती हैं ए पी आई से आप डेटा इधर उधर करते हो तो लेट्स गो टू माई वी एक्सचेंज एंड सी की क्या चल रहा है तो माई वी एक्सचेंज में सबसे पहले तो हम यहाँ खोलेंगे एक्सचेंज एंड यहाँ पर खोलेंगे ए पी आई राइट तो ए पी आई हमारे पास यहाँ बन गया है एंड ए पी आई किस तरीके से काम करते हैं ए पी आई बेसिकली लिंक्स होते हैं जहाँ पे आप जाते हो और आपको वो डेटा रिटर्न करता है तो मैं यहाँ पे गो टू करूँगा तो ये मैंने करा मार्केट डेटा ऑफ बी टी सी यू एस डी टी राइट तो मैंने ये करा इसके बाद यहाँ पे सक्सेस आ जाता है तो ये इसने सारा डेटा बता दिया है जिसमें लास्ट बिड्स हैं एंड प्राइसेस हैं बिटकॉइन के ट्वेंटी टू थाउजेंड नाइन थर्ट एंड लास्ट के इसने कुछ प्राइसेस यहाँ पे फेच किए होंगे इसी तरीके से अगर हम ट्रेड्स देखना चाहते हैं बी के लास्ट के कुछ ट्रेड्स तो हम इस लिंक पर जा सकते हैं एंड यहाँ पर हम केवल अगर बी की जगह कोई भी टोकन यहाँ पर करें जो एक्सचेंज पर अवेलेबल है जैसे इथीरियम तो हमारे पास इथीरियम का डेटा आ जाता है अगर हम यहाँ पर करें आवे आवे का डेटा आ जाता है तो मैं इसकी स्पेलिंग थोड़ी ठीक कर देता हूँ ठीक है तो ये सब आपको दिख गया अब ये यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे आवे लिखा हुआ है मैंने किस तरीके से अब हम चलते हैं एक्सचेंज की साइड क्योंकि हमें दिखने वाला है प्राइस कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं पॉसिबली तो BTC को अगर हम देखेंगे तो यहाँ BTC टी सी यू एस डी टी है इथीरियम को हम देखेंगे तो इथीरियम यू एस डी टी है एंड इसी तरीके से हम आवे को देखेंगे तो आवे यू एस डी टी है राइट right? अब हम देखते हैं कि माई वी के लिए क्या लिखा आता है तो हम देखेंगे माई वी तो माई वी के लिए आता है एम आई वी यू एस डी टी लेट्स जस्ट कॉपी दिस ठीक है इसको डायरेक्ट हम कॉपी कर लेते हैं ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो यहाँ जाते हैं हम अपने ए पे एंड दिस इज द ए पी आई पेस्ट एंड एंटर मारेंगे तो देर इज़ नो डेटा अवेलेबल राइट देर इज नो डेटा अवेलेबल फॉर द ट्रेड हिस्ट्री ऑफ माई वी फिर उसके बाद मार्केट डेटा अगर हम देखते हैं माई वी का तो इवन द मार्केट डेटा इज नॉट अवेलेबल बिकॉज इट इज़ एन इनवैलिड सिंपल इसके बाद हम थोड़ी सी स्पेलिंग चेक कर लेते हैं माई वी स्पेलिंग यहाँ पर हमने थोड़ी चेक करी नहीं मिला ये भी नहीं मिला तो इट इज़ नॉट बीइंग फाउंड तो इसका मतलब क्या है आई एम नॉट दैट टेक्निकल लेकिन सीधा सीधा लग रहा है द प्राइस इज़ बीइंग मैन्यूपलेटेड राइट एंड अगर हम यहाँ पे चार्ट कंपेयर करते हैं लेट्स सी द वन डे चार्ट ऑफ माई भी टोकन इनकी खुद की वेबसाइट पे तो द चार्टज़ नो वेयर टू बी फाउंड बिल्कुल बंद हो गया है ये चार्ट एंड मैंने यहाँ पर थोड़े ऑर्डर्स भी प्लेस प्लेस करके देखे थे इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इट डज नॉट अपडेट तुरंत एंड इसके साथ साथ आप चार्ट देख सकते हो कैसा है नॉर्मल चार्ट अगर आपको देखना है आपको लग रहा है कि वेबसाइट ऐसी ही दिखाती है तो ये बेटकॉइन का चार्ट है सेम कॉन्फिग्रेशन में जो कि नॉर्मल है राइट right, तो माई वी टोकन का माई एक्सचेंज दैट हैज़ नो डेटा ऑन माई टोकन राइट तो क्या हो रहा है यहाँ पे देख सकते हो आप उसके बाद उन्होंने बोला है कि हमने यूनाइटेड एक्सचेंज पे भी तुरंत ही लिस्ट कर दिया था अपना वॉलेट तो यूनाइटेड एक्सचेंज खुद मुझे लगता है एक फ़र्ज़ी एक्सचेंज है बिकॉज यहाँ पे कॉइन लिस्ट करने के लिए आप सीधा एक फॉर्म भर सकते हो इसके साथ साथ अगर आप यूनाइटेड एक्सचेंज को सर्च करोगे एंड इसके सामने एंड इसके सामने आप लिखोगे रिव्यूज़ तो आपको दिख जाएगा कि दिस इज़ अ स्कैम एक्सचेंज ऑन इट्स ओन बट इसमें मैं इतना डीप नहीं गया हूँ तो हो सकता है यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम हो लेकिन यू कैन सी द रिव्यूज योर सेल्फ तो ऐसे एक्सचेंज पे लिस्ट होना इज़ नॉट अ अचीवमेंट इसके बाद माई वी एम के बारे में बात करते हैं राइट तो एम की तरह इसको प्रमोट किया जा रहा है अगर आप इन वीडियोज़ को देखोगे तो देर आर इवेंट्स हैपनिंग जो कि प्रॉपर आपको वेस्टीज़ की याद दिला देंगे अगर आपने वेस्टीज के बारे में सुना है एम एल इवेंट्स ऐसे ही होती हैं जहाँ पर आपको मोटिवेशन दी जाती है बोला जाता है कि आप बहुत पैसे कमाओगे ये सब करोगे अपने अंदर दो लोगों को जोड़ दो तो उसकी तरह से इसे प्रमोट किया जा रहा है आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो एंड फाइनली लेट्स लुक एट द कंक्लूजन तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि माई वी एक स्कैम है लेकिन मैंने आपके सामने इतना सारा डेटा रखा है तो उससे आप अपना खुद का ओपिनियन फॉर्म करिए एंड अगर आपने माई में इन्वेस्ट किया है तो दिस माइट हेल्प यू दिस इज द कंपनी बिहाइंड ई बुल्स तो ई बुल्स वेंचर है इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन है इसका एड्रेस वगैरह है तो ये सब पब्लिकली अवेलेबल है आप गूगल करके निकाल सकते हो दिस इज द गाय जो ये सब चलाता है नितिन गुप्ता ही इज़ ऑल्सो डायरेक्टर इन फाइव Six other ये का पूरा का पूरा चिट्ठा है ई के सारे डायरेक्टर्स वगैरह का नाम यहाँ पे है आशीष जैन एंड नितिन गुप्ता इनको चला रहे हैंजिट कंपनी और नॉट बट यू टेल मी कि मेरे इन सारे जो दिक्कतें हैं इनका अगर वो आंसर दे सकते हैं तो आई हैव नो प्रॉब्लम इसके अलावा मैंने एक और जगह देखा था कि यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लेन थी तो राजेश रानी ने आईवा एनजीओ के जो इन्होंने कंप्लेन करी है एक्जैक्टली exactly यही लिखा है उन्होंने मास्टर बिहाइंड दिस कंपली डीलिंग इन टोकन्स इन्होंने भी ऐसी बात करी है तो इनके साथ हो चुका है ऑलरेडी ये सब एंड माई वी टोकन में मुझे कुछ लेजिटिमेट यहाँ पे नहीं दिख रहा है दिस वॉज माई रिव्यू ऑफ द टोकन होपफुली ये वीडियो किसी की हेल्प करी होगी प्लीज डू शेयर इट एंड यू कैन ऑल्सो कमेंट अगर कोई और स्कैम्स यहाँ इंडिया में हो रहे हैं आई ट्राई टू लुक बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग आर सी इन द नेक्स्ट वन ये बीट गोरी प्लग खींचे नीट लफ्ज मेरे हथियार पहली चोट नो के सीन जैसे खेल टीम रगो मैं बैर निकील नशीला